हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल आएगा पर्पल फ्रॉग के बारे में। तो इसके बारे में न्यूज़ चल रही थी बिकॉज केरला के अंदर में हो सकता है कि इसको स्टेट एम्फीबियन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो एम्फीबियन का मतलब होता है एम्फीबिया, एक क्लास है जिसके अंदर में ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि लैंड और पानी के अंदर में बोथ में रह सकते हैं। तो वो दोनों के अंदर में रह सकते हैं। इसके ऊपर आपने एयरक्राफ्ट के नाम भी सुने होंगे, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट वगैरह। तो लैंड और पानी के ऊपर रह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब इनको हो सकता है कि स्टेट केरला अपना स्टेट एम्फीबियन बना दे। क्यों? ताकि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब ये थोड़े हमारी एंडेंजर्ड हैं, कंजर्वेशन स्टेटस जो है IUCN के अनुसार एंडेंजर्ड हैं। तो उसके कारण इनको हो सकता है कि इनको स्टेट का एम्फीबियस डिक्लेयर कर दिया जाए। कॉमन नेम की बात करेंगे तो पर्पल फ्रॉग, मवेली फ्रॉग एंड पिगनोस फ्रॉग। पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जिस तरीके से ये हमारे जो नॉर्मल फ्रॉग हैं उनसे थोड़ा सा हटके हैं। ये थोड़ा सा आपको राउंडेड शेप के अंदर दिखेंगे, मतलब उतने ज़्यादा जो नॉर्मल फ्रॉग है उसकी तरह नहीं दिखेगा। तो फीचर की बात करेंगे, रिलेटिवली दूसरे फ्रॉग के कंपैरिजन में इसकी बॉडी जो है वो राउंडेड देखने को मिलेगी। और इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये कि ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ ही अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर में बिताता है और सिर्फ बाहर आता है एक दिन के लिए। ब्रीडिंग के टाइम में, ईयर में एक दिन के लिए बाहर आएगा बस। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट में मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर में जो हमारे घाट्स हैं, जहाँ से आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस हैं, लेकिन बीच बीच में जहाँ से क्रॉसिंग है, पालाघाट के नीचे वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट के अंदर में, उस एरिया के अंदर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, एंडेंजर्ड हैं IUCN के अनुसार। और इनको कंसीडर किया जाता है, इनको सोचा जाता है कि ये लिविंग फॉसिल होंगे। अब लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है? लिविंग फॉसिल का मतलब हमने किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो हमने कभी नहीं देखा उसको, बट हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त है फॉसिल से, उसके फॉसिल वगैरह मिले हमें, जैसे डायनासोर। तो वहाँ से हमें पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा, उसके बारे में जो हमने स्टडी किया वो फॉसिल से हमने स्टडी किया। तो लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो, और जिस ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है यहाँ पे, उसका क्लोज रिलेशन था उस वाले ऑर्गेनिज्म से जिसका सिर्फ हमने फॉसिल देखा हुआ है। तो इवोल्यूशनरी जब हम रीड्रॉ करते हैं, इवोल्यूशन जब होता है तो उसके अंदर में उनका कुछ ना कुछ रिलेशन था, उनके करेक्टर वगैरह मैच करते थे। तो इसका रिलेशन माना जा रहा है डायनासोर के साथ में, इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, तो इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बारे में न्यूज़ आई हुई है। तो न्यूज़ है, रिसर्चर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर में, इनके द्वारा फाइंड किया गया एक फंक्शन, सेरोटोनिन का एक और फंक्शन फाइंड आउट किया गया जो कि हमें हेल्प कर सकता है डिजीज से लड़ने के लिए। तो फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा सेरोटोनिन होता क्या है। तो हमारे ब्रेन के अंदर में जो न्यूरोनल सेल होते हैं, जो कि बैकबोन है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की, जो हमें राइट साइड के अंदर दिख रहा है, इस टाइप का आपको सेल दिखेगा, ये हमारा एक सेल है। ये दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ आगे एक और सेल होगा उसके साथ में कनेक्टेड होगा ये, और ये एक दूसरे के बीच में यहाँ पे गैप होता है उसकी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर का सहारा लेते हैं। मतलब केमिकल होते हैं उनको रिलीज करते हैं यहाँ पे, और फिर ये आगे वाला उसको कैच करेगा, स्टिमुलेट होगा और पूरे बॉडी के अंदर में फैलाएगा। तो उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वैसे आपने जो सबसे कॉमन है डोपामीन, जो सबने सुना होता है, तो वो एक काइंड का न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन भी उसी टाइप का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ऐसे केमिकल जो कि सिग्नल क्रिएट करेंगे न्यूरॉन के बीच में, इनके बीच में सिग्नल क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्या है इसका? सेरोटोनिन का मेन फंक्शन, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोल देते हैं कई बार, हैप्पी केमिकल बोल देते हैं कई बार। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करता है। अगर मान लो आपको डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, तो डॉक्टर आपको सेरोटोनिन से स्टिमुलेट होने वाली ऐसी कोई ड्रग्स वगैरह दे देगा जिसके अंदर में सेरोटोनिन का लेवल आपका इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए ये कामयाब होता है। फिर हमारे जैसे धूप के कारण ये स्टिमुलेट होता है, तो उसके कारण आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, स्ट्रेस वगैरह से लड़ने में हेल्प करता है ये। और इसका लेवल लो हो जाए तो डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो न्यू क्या फाइंड आउट किया गया? स्ट्रेस से तो लड़ता है, न्यू क्या फाइंड आउट किया गया? न्यू इनके द्वारा देखा गया कि ये जो सेरोटोनिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे न्यूरॉन के अंदर में नए माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर में पावर हाउस होता है। मतलब अगर न्यूरॉन को पावर प्रोवाइड करवानी है तो माइटोकॉन्ड्रिया करवाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हमारी बॉडी की प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पे ATP की क्रिएशन होगी, बाकी डाइजेशन वगैरह करके आएगा सब कुछ यहाँ पे, रेस्पायरेशन आएगा, सब मीट करेंगे और यहाँ से ATP की क्रिएशन होगी जिससे पूरी बॉडी रन करेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ये क्रिएट कर पाता है इसके अंदर में, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें काबिलियत देखी जा रही है कि ये फ्यूचर के अंदर में हमें ऐसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प कर सकता है जो कि अभी तक हम उनकी क्योर नहीं खोज पाए हैं। तो फर्स्ट तो स्ट्रेस से कोप करेगा, दूसरा हमने देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया को रीजनरेट करने में हेल्प कर सकता है। उससे माइटोकॉन्ड्रिया रीजनरेट करेगा तो उससे हमें ATP की प्रोडक्शन होगी, ATP की प्रोडक्शन से जो हमारा सेल है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। बेनिफिट क्या हो सकते हैं इस स्टडी के? बेनिफिट हो सकते हैं, सेरोटोनिन का इस्तेमाल किया जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी न्यूरॉन के अंदर में,
तो उसको जो है अगर आप ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए हेल्प कर सकते हो आप। अब अगर इस टाइप की माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मेलिटी आएंगी या न्यूरॉन का लॉस होगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे होती हैं न्यूरो डीजनरेटिव बीमारियाँ। न्यूरॉन जब डीजनरेट हो जाएगा, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, जिनका हम अभी तक कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं, ऐसी बीमारियों के लिए क्या किया जा सकता है? हम सेरोटोनिन से सिग्नलिंग कर सकते हैं, सेरोटोनिन की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं क्योर बनाने के लिए इन बीमारियों के लिए। दूसरा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल फंक्शन करता है तो डेथ हो सकती है न्यूरॉन की, जो आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में हम सेरोटोनिन का यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करने के लिए सेरोटोनिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। सेरोटोनिन हैप्पी केमिकल बोलते हैं, स्ट्रेस से लड़ने के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया को जनरेट करने में हेल्प कर सकता है ये। नेक्स्ट आई हमारी न्यूज़ उदय स्कीम के बारे में। तो उदय स्कीम के बारे में देखने से पहले देख लेते हैं न्यूज़ के अंदर क्या था। एक एनालिसिस की गई कृषि के द्वारा, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो रेटिंग करती है डिफरेंट कंपनीज़ वगैरह या अदर कोई स्टेट की एजेंसीज होंगी उनको रेटिंग करेगी कि उनकी कितनी उनकी हालत वगैरह कैसी है। तो इनके द्वारा बोला गया कि एग्रीगेट जो एक्सटर्नल डेट होगा किसका, जो हमारे स्टेट के द्वारा डिस्कॉम कंपनी ओन की जा रही है, डिस्कॉम कंपनी जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनी है, जो स्टेट जिनका ओनर है, ऐसी कंपनियों में बोला गया जो उनके ऊपर डेट है, जो उनके ऊपर कर्जा है, वो इंक्रीज हो सकता है। जैसे जब हमने ये उदय जो योजना लॉन्च की थी, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय योजना जब लॉन्च की थी उसी लेवल तक फिर से पहुंच सकता है ये। तो इनके द्वारा मतलब नेगेटिव साइन दिए गए हमारे डिस्कॉम सेक्टर के लिए। क्रिसिल के बारे में देखा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर डिस्कॉम की बात करेंगे, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज होती हैं जो कि स्टेट के द्वारा ओन की जा रही है, उनकी बात की जा रही है, तो उनके बारे में इनके द्वारा बोला गया। और इनके द्वारा स्टडी किया गया स्टेट ओन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं 15 स्टेट में, जो कि टोटल 85% जो पूरा लॉस है, पूरा जो डेट है इनके ऊपर है। तो इनको इनके द्वारा स्टडी किया गया और इनके द्वारा बोला गया कि ये जो है हमारे इस ईयर के, इस फिजिकल ईयर के एंड तक प्री उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना जब स्टार्ट की गई थी उसी लेवल के ऊपर फिर से पहुंच जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उदय स्कीम कौन सी है। तो स्कीम का नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो जो डिस्कॉम कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके लिए स्कीम को बनाया गया था क्योंकि उनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर 2015 में। ऑब्जेक्टिव थे उनके डेट को कम करना, उनके ऊपर जो लोन है उसको डिक्रीज करेंगे, उसके अलावा ऑपरेशनल, उनके ऑपरेशन के अंदर में एफिशिएंसी लाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल भी। जैसे स्मार्ट मीटरिंग कर दी आपने, उससे आप पता कर सकते हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो और काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट करनी है आपने। तीसरा बोला गया था कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करना है। जैसे इंडिया के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो लगभग 25% तो आप वहीं पे लॉस कर जाती हैं ये कंपनीज, तो इनको काफ़ी नुकसान होता है। वो एक मेन कारण आता है इसके अंदर में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो होंगे वो एक मेन कारण आता है इनके डेट के अंदर में डूबे होने के कारण। तो ये काम इनके द्वारा किए जाएंगे। करेंगे कैसे, स्टेट जो है इनका 75% डेट अपने ऊपर उठा लेगी और स्टेट जिससे इनके द्वारा लोन लिया गया है उनको स्टेट बॉन्ड इशू कर देगी कि आप हमसे ले लेना, पैसे हम देंगे आपको, और जो कंपनीज हैं इनको इनका 75% डेट सरकार ले लेगी और 25% इनको खुद देना पड़ेगा बॉन्ड वगैरह इशू करके। तो ये बोला गया था। और पावर की कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे ताकि इनको थोड़ी राहत मिले। जैसे सरकारें कई बार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पावर का कॉस्ट डिक्रीज़ कर देती हैं कंज्यूमर के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो वहाँ से उतने ही दाम पे देगा। तो हम एफिशिएंसी लेके आएंगे और पावर का कॉस्ट डिक्रीज़ करेंगे ताकि इनको फ़ायदा हो, स्मार्ट मीटरिंग वगैरह करेंगे। तो ये सब इनके द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ग्लोबल असेसमेंट बाय इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IPBES, इनके द्वारा ग्लोबल असेसमेंट की गई, स्टडी की गई इनके द्वारा, ग्लोबल असेसमेंट जो रिपोर्ट रिलीज हुई उसी के कारण ये न्यूज़ के अंदर थे। अब इनके द्वारा रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया फिर देखेंगे इस बॉडी के बारे में कि ये क्या काम करती है। रिपोर्ट के अंदर इनके द्वारा बोला गया 40% जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन क्लास एम्फीबियन जो कि पानी और लैंड के ऊपर रह सकते हैं, एम्फीबियन स्पीसीज, और मोर देन वन थर्ड हमारी मैरीन मैमल स्पीसीज, मैमल वो जिनके अंदर में मैमरी ग्लैंड होते हैं, और जो ह्यूमन है वो भी मैमल्स के अंदर आएगा। तो इसमें मैरीन मैमल जो समुद्र के अंदर रहते हैं, ऐसे मैरीन मैमल वो थ्रेटन्ड हैं, ये इनके द्वारा बोला गया। दूसरी बात बोली गई इनके द्वारा कि 1 मिलियन, हमारे द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि 8 मिलियन प्लांट, इंसेक्ट और एनिमल की स्पीसीज हैं, उनमें से 1 मिलियन जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं इस डिकेड के अंत तक, ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनके द्वारा चेतावनी दी गई कि इस टाइप की अगर आपने जो रिलेंटलेस परस्यूट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें ना रोकी गई तो ये सब चीज़ें आपको, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड होगा और पूरी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है और ह्यूमन को तो नुकसान होगा ही होगा। तो अब देखेंगे इस बॉडी के बारे में, बॉडी का नाम है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इस बॉडी को बनाया गया था 2012 के अंदर में। किस टाइप की बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट साथ में आई थी, 130 गवर्नमेंट इसके मेंबर हैं, तो वो साथ में आए थे, उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया।
और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। सेक्रेटरीट है बॉन जर्मनी के अंदर में। काम क्या करेगी, फर्स्ट काम करेगी असेसमेंट बायोडाइवर्सिटी का, जैसा अभी इनके द्वारा किया गया वो करेगी असेसमेंट। दूसरा काम क्या करेगी, जो डिफरेंट गवर्नमेंट होगी उनको साइंस बेस्ड पॉलिसी में सपोर्ट देगी। आप कैसे रिवर्स कर सकते हो इसको, इनको बचाया जा सकता है, उसके लिए इनको साइंस के थ्रू बैकिंग देके पॉलिसी वगैरह में हेल्प करेंगी जो इनकी मेंबर कंट्री हैं 130, जैसे इंडिया को हेल्प करेंगी ये पॉलिसी बनाने में। तीसरा, इंडिया को हेल्प कर सकती हैं ये कैपेसिटी बिल्डिंग में, मतलब इंडिया के स्किल की आवश्यकता है अगर पॉलिसी बनाने के लिए या अदर चीज़ों के लिए स्किल की आवश्यकता है तो वो ये प्रोवाइड करवाएगी अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। उसके अलावा ये अवेयरनेस जनरेट करेगी, कम्युनिकेशन करेगी लोगों के साथ में। नेक्स्ट आया वर्ल्ड अस्थमा डे। तो लास्ट डे मई 7, 2019 को वर्ल्ड अस्थमा डे था, जिसकी थीम थी स्ट्रॉप अस्थमा। तो डे का तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है कब कौन सा डे होता है, लेकिन अस्थमा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अस्थमा के बारे में और एज़मा या अस्थमा जो भी, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये लंग की बीमारी है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसमें देखेंगे ये हमारा पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे पास में विंड पाइप है, ये वाली जो है वो विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसको बोलेंगे। यहाँ से हमारे पास में आप सांस लोगे, फिर ये जाएगी ट्रैकिया के अंदर में। उसके बाद ट्रैकिया में जाने के बाद में ये वाला जो हमारा पोर्शन है जहाँ से ये सेपरेट हुई, जैसे ये हमारे पास ट्रैकिया यहाँ से सेपरेट हुई, इसको बोलेंगे ब्रोंकिया। तो ये जो ब्रोंकाई हैं ये दो, उसके बाद में जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर में इस टाइप से डिवाइड होकर जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, तो हमने देखा नेजल चैम्बर से यहाँ से एयर अंदर जाएगी, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलेंगे। ट्रैकिया जो है डिवाइड होगा ब्रोंकाई के अंदर में, तो यहाँ पे ब्रोंकाइस, ये वाले जो हमारे पोर्शन होंगे ब्रॉड वाली पाइप टाइप, ये ब्रोंकाई, उसके बाद में डिवाइड होगा ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर में, उनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल जो है वो लास्ट के अंदर में एक छोटा सा पार्ट होता है अल्वियोलाई इस टाइप का, जिससे ब्लड से कनेक्टेड होता है, वहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो ट्रैकिया उसके बाद ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंकियोल जो हैं, ये दिख रहे हैं ब्रोंकियोल, इनकी पाइपिंग आपको इस टाइप से दिख रही है, ये है नॉर्मल पाइपिंग। अगर आपको अस्थमा है या एज़मा है तो इस सिचुएशन के अंदर में ये पाइपिंग इस टाइप से हो जाएगी, मतलब नैरो हो जाएगी, इंफ्लेमेशन आ जाएगी इसमें, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी देखने में। तो ये नॉर्मल इस टाइप से हो जाएगी, अगर नॉर्मल में तो ऐसी थी, लेकिन एज़मा के अंदर में नॉर्मल जो हमारी ब्रोंकियोल्स होंगे वो इस टाइप से देखने को मिलेंगे। और जब मान लो आपको कोई ट्रिगर, जैसे मान लो पोलन ग्रेन, कोई धूल या कोई और एलर्जी वाला ऐसी कोई बाहर का केमिकल या प्रोडक्ट, उसके कारण क्या होगा, अगर जैसे जो एज़मा का अटैक आएगा वो तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई बाहर से कोई चीज़ ट्रिगर करेगी तो वो थर्ड लेवल का जो दिख रहा है और ज़्यादा नैरो हो जाएगी, उसके अंदर में वो और म्यूकस वगैरह सीक्रेट होगा, और जहाँ से यहाँ से एयर वगैरह आपकी पास होनी थी उसके अंदर में प्रॉब्लम आएगी पर्सन को। तो इसको बोलेंगे एज़मा का अटैक। तो फर्स्ट ये लंग की बीमारी है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और सिम्टम की बात करेंगे, सिम्टम इसके अंदर में कफिंग, टाइटनेस चेस्ट के अंदर में, ब्रीथलेसनेस वो देखने को मिलेगी। और जब एज़मा का अटैक आएगा वैसी सिचुएशन में जो लाइनिंग है ब्रोंकियोल की, ब्रोंकियल की जो लाइनिंग है वो स्वेल कर जाएगी, वो फूलेगी, नैरो हो जाएगी और जो एयर का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉज क्या हो सकते हैं, जो नॉर्मल एज़मा का कॉज है उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है कि मतलब कैसे होता है, बट इतना पता है कि जेनेटिक्स का कोई इशू हो सकता है, कोई जीन्स के अंदर में पहले से कोई इशू हो सकता है, जिसके कारण प्री डिस्पोजिशन के कारण, पहले से कोई इशू होने के कारण ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हो जाता है। उसके बाद एनवायरमेंट का एक्सपोजर, कुछ सब्सटेंसेस आप एनवायरमेंट से इनहेल कर लो जो कि आपके लिए मतलब एलर्जी कॉज करते हो, तो उसके कारण भी आपको इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में न्यूज़ है। यहाँ पे 11th आर्कटिक काउंसिल की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और इसके अंदर में इंडिया को फिर से ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह ले लिया गया। इंडिया को फर्स्ट टाइम 2013 में ऑब्जर्वर बना लिया गया था, अब फिर से इंडिया ऑब्जर्वर की तरह इलेक्ट हो गया। तो आपको क्या पता होना चाहिए आर्कटिक काउंसिल के बारे में, और दूसरी बात कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर है इसका। तो आर्कटिक काउंसिल की बात करेंगे, कौन से रीजन में है ये, हमारे आर्कटिक जो पोल है नॉर्थ पोल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आर्कटिक जो रीजन है उसके अंदर में प्रेजेंट है। इसके मेंबर कौन होंगे, इसके मेंबर होंगे वो कंट्री जो इसको टच कर रहे हैं, जैसे अलास्का यूएस का पार्ट है तो यूएसए इसका मेंबर है, कनाडा इसका मेंबर है, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है वो इसका मेंबर है, उसके बाद हमारे पास फिनलैंड आ रहा है, स्वीडन आ रहा है, नॉर्वे आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है एंड रशिया, तो ये 8 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। इसके अलावा इंडिया, चाइना वगैरह ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इनका। इसके बाद में फंक्शन क्या करेंगे, इस रीजन को प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ये इसके मेंबर बने हुए हैं। तो आर्कटिक काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है,
हिस्ट्री है 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से आया था ये। तो क्वेश्चन के अंदर अगर पूछें ओटावा डिक्लेरेशन से कौन सी बॉडी बनी, तो आप बता सकते हो कि आर्कटिक काउंसिल ओटावा डिक्लेरेशन से बनी 1996 में। सेक्रेटरेट नॉर्वे के अंदर में, काम क्या करेगी, कॉपरेशन करेगी सब मेंबर के अंदर में, और इसमें इंडिजिनस ग्रुप वगैरह भी इन्वॉल्व हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक और बात जो याद रखनी है, ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट आपके ऊपर नहीं डालेगी, आपको ये करना ही पड़ेगा। जो भी इसके अंदर में डिसीजन लिए जाएंगे उसको ये इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं रखती। इसकी जो गाइडलाइन असेसमेंट वगैरह होंगी, रिकमेंडेशन होंगी, वो इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है यहाँ पे, कौन मानेगा किसकी बात, लेकिन ये यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। मेंबर के नाम याद करने पड़ेंगे, USA, कैनेडा, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया। तो यहाँ पे हमारे आज के आर्टिकल खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।